दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि आखिर किन हालातों में और किन परिस्थितियों में सीबीआई जांच करते हैं और क्यों हर केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाता। इसके साथ ये भी देखेंगे कि कौन डिसीजन लेता है कि किन मामलों में सीबीआई इंक्वायरी करेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे माइंड कोच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। दोस्तों सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाले गंभीर अपराध या धोखाधड़ी जैसे हत्या, घोटाले, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। दोस्तों सीबीआई पहले केवल घुसखोरी और भ्रष्टाचार की जांच तक सीमित थी, लेकिन 1965 से हत्या, किडनैपिंग, आतंकवाद, वित्तीय अपराध आदि की जांच भी सीबीआई के अंडर में आ गई है। दोस्तों सीबीआई को कई हिस्सों में बांटा गया है, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि सीबीआई काम कैसे करती है। दोस्तों सीबीआई की एंटी करप्शन डिवीजन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पब्लिक उपक्रमों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच करती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीजन। तो दोस्तों ये डिवीजन बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, नारकोटिक्स, पुरातन वस्तुएं, सांस्कृतिक संपत्ति की बढ़ती तस्करी से संबंधित मामलों में जांच करती है। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल क्राइम डिवीजन। ये डिवीजन आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट, सेंसिटिव मर्डर, किडनैपिंग, माफिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित केसेस की जांच करती है। ज़्यादातर मामलों में राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति दी है, लेकिन सीबीआई संसद के सदस्य की भी जांच कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्मल कंडीशन वाले आर्थिक और विशेष अपराधों की सीबीआई जांच नहीं करती, क्योंकि ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ऐसे अपराधों की जांच करने में मौजूद होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर सीबीआई को जांच के लिए कोई भी केस कैसे पहुंचता है और इसकी परमिशन कौन देता है। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी केस की सिफारिश करे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की, उसके बाद केंद्र सरकार किसी राज्य में इस तरह के अपराध की जांच के लिए पहले एक अधिसूचना जारी करती है, उसके बाद सीबीआई को जांच के लिए ऑथोराइज करती है, फिर राज्य पुलिस को जांच के तहत उस केस के बारे में जितने भी सबूत मिले होते हैं सीबीआई उन सबूतों को अपने पास इकट्ठा करती है और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बढ़ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की परमिशन के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। और आपको बता दें कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सुनवाई विशेष सीबीआई अदालत में होती है। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल जानकारी सीबीआई के बारे में। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।